गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से केवीएम इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट पे। तो बच्चों, आज के वीडियो में कक्षा 10 विषय गणित एक्सरसाइज नंबर 5 पांचवी प्रश्नावली की बात करेंगे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, शॉर्ट में AP बोला जाता है इसको, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। तो चलिए समझते हैं क्या होता है समांतर श्रेणी। बच्चों, आपको कई बार ना बहुत सारी नंबर सीक्वेंस में लिखे हुए, एक अनुक्रम में, एक क्रम में लिखे हुए मिल जाते हैं, जैसे कि इस तरह से कुछ नंबर लिखे हुए हैं 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, ऐसे मान लो कोई नंबर लिख दिया। तो ये क्रम तो है, बट ये कैसा क्रम है उसको देखना और समझना है हमें। हम देख रहे हैं कि भाई 2 में 2 जोड़ा तो 4 आया, 4 में 3 जोड़ा तो 7 आया, फिर 2 जोड़ा तो 9 आया, फिर 2 जोड़ा तो 11 आया, फिर 1, 12, 1, 13, मतलब कोई क्रम नहीं बन रहा है। इसमें तो कोई क्रम नहीं बन रहा, ठीक है। कुछ ऐसे अनुक्रम होते हैं जिनमें आप समझ सकते हो आसानी से कि अगला नंबर कैसे प्राप्त करें। 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे आएंगे। समझ में आ गया होगा आपको कैसे आए कि पहले वाले नंबर में 2 ऐड करो तो अगला नंबर आता है, फिर इसमें 2 ऐड करें तो अगला नंबर आता है, फिर इसमें 2 ऐड करें तो अगला नंबर आता है, फिर अगला नंबर, फिर अगला नंबर, फिर अगला नंबर, ठीक है। ये एक सुव्यवस्थित क्रम है, ये एक सुव्यवस्थित क्रम है। अच्छा, इन्हीं क्रमों में से एक क्रम होता है समांतर श्रेणी, इन क्रम में से एक क्रम होता है समांतर श्रेणी के रूप में, जिसका व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी का इस प्रकार से। पहले पद को A से लिखेंगे, दूसरे पद को A+D से लिखेंगे, अगले पद को A+2D से, अगले पद को A+3D से, ऐसे लिखते जाते हैं। इस क्रम में अगर कोई सीक्वेंस आपको दिया गया है तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, जहां A प्रथम पद कहलाता है श्रेणी का, और D जो यहाँ पे मैंने यूज किया है ये सार्व अंतर कहलाता है श्रेणी का, सार्व अंतर, या इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, CD भी कह सकते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है ना? ओके, यही है इसमें। अब समझिए एक एग्जांपल से, अगर आपको कोई श्रेणी दी गई है, हम इन श्रेणी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई AP आपको इस तरह से दी गई होती है, A1 उसका पहला पद है, A2 उसका दूसरा पद है, A को ना हम A1 लिख सकते हैं, प्रथम पद को मैं A1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, A2 दूसरा पद है, A3, A4, A5, A6, ऐसे श्रेणी दी गई है। बोला कि सार्वंतर ज्ञात करो, तो ये श्रेणी अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे कि अगले वाले पद में से, किसी भी पद में से, उससे पहले वाले पद को माइनस करके देखो, ये वाले पद, इससे पहले तो कोई पद है ही नहीं, इसमें से इसके पहले वाला पद माइनस करेंगे, क्या आएगा? A2 - A1, ये आएगा। इसमें से ये माइनस करें A3 - A2, या इसमें से ये माइनस करें A4 - A3, और ऐसे आगे आगे अगर करते जाएं, और ये सारे अगर बराबर आते हैं, ये सारे यदि बराबर आते हैं तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, और इन मानों को कहते हैं कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर, यानी कि A2 - A1 किसके बराबर होगा? सार्वंतर के, D के बराबर, A3 - A2 भी D के बराबर, A4 - A3 भी D के बराबर। तो सार्वंतर समान होंगे समांतर श्रेणी में, और वो कैसे ज्ञात किया जाता है? किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को माइनस करके। समझ में आया सिस्टम? यस। तो ये तरीका है किसी भी समांतर श्रेणी से सार्वंतर ज्ञात करने का। आप रियल में एक एग्जांपल लीजिए, जैसे 2 है, 5 है, एंड 8 है, 11 है, 14 है, ऐसा एक समांतर श्रेणी है। ये बोला कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं, इसकी जांच करो। चलो, तो भाई हम क्या करेंगे, 5 में से 2 माइनस करके देखा,
तीन आया। अच्छा, आठ में से पाँच माइनस करके देखा, तीन आया। ग्यारह में से पहले वाला पद घटाओ, तीन आया। चौदह में से पहले वाला पद घटाओ, तीन आया। हर बार ये बराबर आ रहे हैं, अर्थात इनका सभी का सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर समान है, अतः यह एक एपी है, यह एक समांतर श्रेणी होगी। जब सार्वअंतर समान आ गया ना, तो हम कह सकते हैं यह एक समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी को बार 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 ऐसे बड़ा वर्ड लिखने से अच्छा हम ये लिखेंगे, अतः यह एक एपी, एपी मतलब ये एपी यानी कि समांतर श्रेणी होगी। ठीक, इस श्रेणी में प्रथम पद कौन सा है? प्रथम पद ए बराबर ये रहा दो, ठीक है। डी आपने ज्ञात कर लिया, डी कितना है? थ्री। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं किसी भी समांतर श्रेणी के व्यापक पद की ओर। किसी समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है? व्यापक पद यानी कि एन वा पद। अगर आपको कोई समांतर श्रेणी दी गई है और उसमें प्रथम पद और सार्वअंतर तो आप ज्ञात कर लोगे, तो आपको उसका व्यापक पद निकालना है। व्यापक पद निकालना है तो उसका सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, जैसे कि एक समांतर श्रेणी थी ए, ए प्लस डी, ये मैंने यहाँ पे एक ए पी लिख दी। अगला पद होगा ए प्लस टू डी, अगला पद होगा ए प्लस थ्री डी, अगला पद होगा ए प्लस फोर डी। ऐसे ये समांतर श्रेणी आपको दे रखी है। अच्छा, ये मत लिखो, आप ये ले लो ए वन, ए टू, ए थ्री, ऐसे ऐसे करके आपको समांतर श्रेणी दे रखी है। आपको ए टू ज्ञात करना है, तो प्रथम पद तो कितना है यहाँ पे? ए वन। माना कि इसका सार्वअंतर है डी, माना इसका सार्वअंतर कितना है? डी है। तो दूसरा पद क्या होगा बच्चों? दूसरा पद ए टू बराबर क्या होगा? ये सोचो, सोचो, सार्वअंतर डी का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो कैसे आएगा? ए टू माइनस ए वन से, ए टू माइनस ए वन से। तो मैं ए टू ज्ञात करूं यहां से, तो ए टू बराबर क्या होगा? ए वन को इधर पक्षांतर करके देखूं तो ये आ रहा है ए वन प्लस डी के बराबर। ऐसे तो ज्ञात करेंगे। अगर मेरे को ये पद निकालना हो तो मैं इस वाले पद में, पहले वाले पद में डी जोड़ दूंगा। डी जोड़ते मेरे को अगला पद मिलेगा, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो ए थ्री मिलेगा, इसमें डी जोड़ेंगे तो ए फोर मिलेगा, ऐसे ही तो होगा। तीसरा पद निकाले जो कि ए थ्री है, उसको हम कैसे लिखेंगे? ए थ्री को ए टू, इसमें डी जोड़ देंगे, ए टू प्लस डी, है ना? या फिर अच्छा, अब इसमें ए टू का मान रखो आप, ए टू का मान रखा आपने कितना? ए वन प्लस डी, ए वन प्लस डी प्लस डी, तो ये कितना हुआ? ए वन प्लस टू डी, है ना? तीसरा पद निकाला तो उसका मान आ गया ए वन प्लस टू डी। अच्छा, चौथा पद निकाले तो, चौथा पद ए फोर, ए फोर बराबर होगा ए थ्री प्लस डी। तीसरे पद में मैं डी जोड़ दूंगा यहाँ पे, तो चौथा पद प्राप्त होगा। अच्छा, तो ए थ्री का मान रख के देखें, ए थ्री का मान आया है ए वन प्लस टू डी, इसमें डी जोड़ा तो ए फोर बराबर आ गया आपका ए वन प्लस थ्री डी, है ना? ऐसे चलता जाएगा, ऐसे ये क्रम अगर चलता रहे, मैं इस क्रम को ऐसे आगे बढ़ाता रहूं और मैं एनवे पद की बात करूं, मैं बात करूं एनवे पद की, ठीक है? एनवा पद कोई भी हो सकता है, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, कोई भी पद हो सकता है एनवा, वो हमें ज्ञात करना हो तो ए एन बराबर क्या लिखेंगे? ए वन प्लस, देखो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पे फोर था, जब चौथा पद निकाला तो मैंने डी को तीन से गुणा किया, जब तीसरा पद निकाला तो मैंने डी को दो से गुणा किया, और जब दूसरा पद निकाला तो डी को एक से गुणा किया। मतलब कि अगर आप जो भी पद निकाल रहे हो उस पद से एक कम संख्या डी से गुणा हो रही है ना? चार है तो तीन से गुणा हो रहा है, तीसरा पद है तो ये दो से गुणा हो रहा है, तीसरा पद है तो डी दो से गुणा हो रहा है, दूसरा पद निकालें तो डी का मान एक से गुणा हो रहा है, और ए वन ए वन ए वन सब में आ रहा है। ए वन तो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर इसमें भी है, इसमें भी है, ए वन तो कॉमन है, यानी कि ए वन तो आएगा ही आएगा,
लेकिन यहाँ पे जो संख्या आएगी वो n से एक कम होगी, एक कम कर दो इससे गुणा हो जाएगा। तो यही सूत्र है समांतर श्रेणी के व्यापक पद को ज्ञात करने का, ठीक है। इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद, पांचवा, छठा, जो भी आपसे पूछे वो ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसका प्रथम पद और सार्व अंतर श्रेणी का याद होना चाहिए या पता होना चाहिए। चलिए, तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद का फॉर्मूला क्या आया, ये व्यापक पद n बराबर होगा ए एन, व्यापक पद को लिखेंगे ए एन, एन वा पद बराबर ए, ए वन लिखो या ए लिखो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए वन भी प्रथम पद है और ए भी प्रथम पद है, तो हम यहाँ पे जनरली ए का यूज कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये एन वा पद ज्ञात करने का सूत्र है, जैसे कि आपको एक श्रेणी दे दी 3, 5, 7, 9, ऐसे ये कोई समांतर श्रेणी है, मान लो ये कोई समांतर श्रेणी है। पूछा इसका बारहवा पद ज्ञात करो, बारहवा पद ज्ञात करो, ठीक है। तो श्रेणी से आपको क्या क्या जानकारी लेनी है, पहले तो आपको लिखना है प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद देखिए कितना है, यहाँ पे a बराबर, सबसे पहले वाला पद ही प्रथम पद होगा, देखते ही पता चल रहा है 3 है, ठीक है भाई। इसका सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर अब आपको याद है ना कैसे बताया था, इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 में से 3 माइनस करो, कितना बचेगा 2, कहीं पर भी देख लो, 7 में से 5 माइनस करके देख लो 2 आएगा, 9 में से 7 माइनस कर लो 2 आएगा, इनका अंतर निकालना है, मतलब इन पदों का अंतर जो है वही सार्व अंतर है, तो d बराबर 2 आ गया। n बराबर कौन सा पद ज्ञात करना है आपको, 12वां पद, तो n बराबर आप 12 लेके चलेंगे। अब हम ज्ञात करते हैं 12वां पद, 12वां पद का मतलब ए एन, एन की जगह कितना रखना है 12, 12वां पद निकालेंगे तो 12 ही रखेंगे यहाँ पे, बराबर सूत्र होगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में देखो a की जगह a, n की जगह 12 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a कितना है 3, 12 में से 1 गया 11 गुणा, चलो यहाँ लिख लो ब्रैकेट में, d की वैल्यू 2, पहले आप गुणा करेंगे 11 दूनी 22, फिर 3 इसमें जोड़ेंगे बराबर आ गया 25, 25 आएगा, कितना आएगा 25। देखो मैं आपको वेरीफाई करवा के बताता हूँ, आप इन पदों को बढ़ाते जाइए, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ये 25 यहाँ पे आया, इसको गिनो, शुरू से गिनती करो ये कौन सा पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आ गया 12वां पद 25। देखो इतनी बड़ी एपी लिखने से मुक्ति मिल गई ना इस सूत्र का उपयोग करते ही, अगर ये सूत्र हमें नहीं पता होता तो हम क्या करते, ऐसे ही तो करते, बढ़ाते जाते नंबरों को, लिखते जाते फिर गिन के बताते भाई ये है 12वां पद जिसका मान 25 आ रहा है, और सूत्र से चुटकियों में हो गया। अगर मान लो बाय द वे गलती से पूछ लेता कि 100वां पद ज्ञात करो, तो आप तो ऐसे लिखते रहते 100 तक, है ना, तो काफ़ी बड़ा हो जाता उसका मैटर और टाइम भी बहुत लगता। तो तुरंत यहाँ पे आप n की वैल्यू 100 रखिए, फटाफट से आप ज्ञात कर सकते हो कौन सा पद होगा, कौन सा पद कितना आएगा, समझे, ये है इस सूत्र की महत्ता। ओके, वेरी गुड, समझ आ गया आपको। इसमें एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला तो ये रहे, ठीक है, इसको याद कर लेना, ये मैंने समझा भी दिया तुम्हें। एक और फॉर्मूला काम में आने वाला है जो है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, योगफल को हम कहते हैं इंग्लिश में सम, क्या कहते हैं बच्चों, सम, और सम का वर्ड s यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे s, कितने पदों का योगफल कर रहे हैं n पदों का, तो इसका सिंबल बन जाएगा sn, ठीक है। n पदों के योगफल को किससे लिखेंगे, संकेत sn लिखा जाएगा, ठीक है। कैसे ज्ञात करें n पदों का योगफल, देखो ये एक श्रेणी है a, फिर है a प्लस डी, फिर है a प्लस 2d,
फिर आएगा a प्लस थ्री डी, फिर आएगा a प्लस फोर डी, ऐसे 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 कोई समांतर श्रेणी है आगे तक है कंटिन्यू, ठीक है, n पदों तक है ये, कहाँ तक है ये, n तक, ओके। इसके n पदों का योगफल करना है, तो n पदों का योगफल करने से पहले हम कुछ पदों का योगफल करेंगे, फिर उससे फॉर्मूला बनाएंगे। इसके दो पदों का योगफल करना हो, अच्छा एक पद का योगफल क्या होगा, एक पद का योगफल तो पहला वही पद ही आएगा, यही होगा a। दो पदों का योगफल, दो पदों का योगफल देखें तो s1 तो ये आ गया a, दो पदों का योगफल s2 बराबर क्या आएगा, a प्लस डी, है ना, अच्छा ओके। दो पदों का योगफल हो गया 2a प्लस डी, ठीक है। तीन पदों का योगफल करें तो इसका 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 जोड़ करो, पहला दूसरा तीनों पदों को जोड़ो, a a a, ये हो गया आपके पास 3a d प्लस डी, यानी कि हो गया 3d, 3a प्लस 3d। चार पदों का योगफल करें तो ये जुड़ेंगे, एक दो तीन चार, चार बार तो a जुड़ रहा है, एक डी ये, दो डी ये, तीन डी और तीन डी ये, छः डी ये आ रहा है, अच्छा ओके। पांच पदों का योगफल करें तो पांच पदों का योगफल एक दो तीन चार पाँच, पांच बार तो ए आएगा प्लस प्लस, और डी कितनी बार आएगा, एक और दो तीन और तीन छः और चार दस, डी आया भाई दस बार। अब यहाँ पे देखो आपको क्या क्रम बना सकते हो आप कि n पदों का योगफल Sn ज्ञात कर सको, है ना। Sn अगर मैं ज्ञात करूँगा तो मैंने अगर 1 लिया तो एक बार a आया, 2 लिया तो दो बार a आया, तीसरे पद के लिए तीन बार a आया, चौथे पद के लिए चार बार a आया, पांचवें पद के लिए पांच बार, तो nवें पद के लिए a कितनी बार आएगा, n बार आएगा, ये तो कन्फर्म है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखें, इसको क्या लिखें, सोचिए। ये जो संख्या आ रही है ना, ये संख्या कुछ इस प्रकार से है, n इंटू एन माइनस वन करूँ मैं इसको, n इंटू एन माइनस वन करूँ और फिर d से गुणा करके देखूँ तो मेरे को संख्या प्राप्त हो रही है। जैसे देखो दो है, तो दो है तो यहाँ पे d कितना आएगा, दो है तो n का मान दो रखो, दो गुणा एक, टू डी आया, लेकिन यहाँ पे तो d आ रहा है, अच्छा तीन का मान देखूं मैं यहाँ पे, तीन तीन दूनी छः, छः डी आ रहा है लेकिन यहाँ पे तीन दिया, आधा हो रहा है तो इसको आधा कर दो, ये इस तरह से आ रहा है। देखो आपने जो भी n का मान लिया उस पे d की वैल्यू सूत्र में देखे तो इस प्रकार से डिफाइन की जा सकती है कि n बाई टू इंटू एन माइनस वन करके, अगर आप चार लिख रहे हो n का मान चार, तो n का मान चार लिख रहे हो तो n बाई टू का मान हो जाएगा दो और n माइनस वन का मान हो जाएगा तीन, तो छः डी आएगा। देखो यहाँ पे छः डी आ रहा है। अगर मैं पाँच लूँ n बराबर पाँच, पाँच पदों का योगफल करूँ तो पाँच बटे दो इंटू पाँच माइनस एक, तो पाँच बटे दो गुणा पाँच में से गया चार, बच गया दो बराबर दस, दस डी आ रहा है, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र बन गया, क्या बना, एस एन बराबर एन ए प्लस एन बाई टू इंटू एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र बन गया बच्चों, ठीक है। अच्छा अब इस सूत्र को थोड़ा सा इजी करने के लिए, थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको दो से गुणा कर देता हूँ और दो से ही भाग कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दो से गुणा कर दिया, दो से भाग कर दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हुआ, मैं एन बाई टू को अलग लिखूँ, एन बाई टू गुणा दो ए प्लस एन बाई टू इंटू एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, n बाई टू को एक साथ लिख दिया, 2a को अलग लिख दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि मैं इस संख्या में से n बाई टू कॉमन ले सकूं, तो मैं यहां से n बाई टू को बाहर निकाल लूँगा, अंदर क्या बचेगा 2a प्लस अंदर ये बचेगा n माइनस वन इंटू डी, आ गया फॉर्मूला। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो ये होता है बच्चों, क्या है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू बड़ा ब्रैकेट
टू ए प्लस छोटा ब्रैकेट एन माइनस वन ब्रैकेट बंद इन टू डी बड़ा ब्रैकेट क्लोज, याद रहेगा? ठीक है, याद रखना ही है, याद रखना ही है। इस फॉर्मूले को देखो, एक और रूप दे सकता हूं मैं, एस एन बराबर है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन बाई टू, ए को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस ए, टू ए को ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या होता है? ये होता है ए एन, एन वह पद है ना, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ए प्लस ए एन करके, जहाँ ए एन क्या है, एन वह पद है। अगर आपको सवाल में एन वह पद दे दिया तो आप सीधा एन वह पद रख के प्रथम पद और एन पदों का योगफल इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। एक ये फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में आया? एस एन बराबर एक फॉर्मूला क्या हो सकता है, यहीं से तो बना है, यहीं से तो बना है, टू ए को ए प्लस ए लिख लेना, तो ये वाला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये ए एन बन गया और उसके साथ में ए प्लस हो रहा है, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार आपने तीन फॉर्मूले पढ़े समांतर श्रेढ़ी के लिए, समांतर श्रेढ़ी के लिए आपने तीन फॉर्मूले पढ़ लिए। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ लिए? व्यापक पद ज्ञात करने के लिए एनवा पद ज्ञात करने का, दूसरा एन पदों का योगफल ज्ञात करने का, और तीसरा भी एन पदों का योगफल व्यापक पद के रूप में। ठीक है, अच्छा जी, चलो मैं एक्सरसाइज पे चलता हूँ, अपनी बुक निकाल लीजिए और उसमें एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर एक देखिए। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित समांतर श्रेढ़ी के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी ज्ञात करो। प्रथम पद ए व सार्व अंतर डी ये आपको ज्ञात करने हैं। समांतर श्रेढ़ी दी गई है, पहले पहले केस में है 6, 9, 12, 15 और फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये समांतर श्रेढ़ी आपको दी गई है। तो बच्चों आप बताओ इसमें प्रथम पद ए कितना है? ए बराबर सबको दिख रहा है यहाँ पे 6, अच्छा डी ज्ञात करना है। चूंकि ये सार ये समांतर श्रेणी है पहले से ही, तो हमें सभी का सार्व अंतर निकाल के चेक नहीं करना, ठीक है, हम एक संख्या का अंतर निकाल के ज्ञात कर लेंगे। 9 में से 6 माइनस करो कितना आएगा? 3। इसमें सभी में 3-3 का अंतर होगा, देखो 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 3, 15, आगे भी आप 18, 21 ऐसे ज्ञात कर सकते हो। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट -7, -9, -11 एंड डॉट डॉट, ऐसे मान लो कोई समांतर श्रेढ़ी है, तो इसमें प्रथम पद कितना है बच्चों? -7 ही है, और d बराबर कितना होगा? इसमें से इसको माइनस करना है, -9 में से माइनस करना है -7 को। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, -9 में से माइनस करना है -7 को, थोड़ा चिन्ह में गड़बड़ मत कर देना बस। माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस का 7, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। यहाँ पे देखो संख्याएं, संख्याओं में सब में माइनस 2 जुड़ता जा रहा है, तो सार्व अंतर कितना होगा? माइनस 2 होगा। माइनस 7 में माइनस 2 जोड़ा यह आया, फिर माइनस 2 जोड़ा 11 आया, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा तीसरा पार्ट देखिए। तीसरे पार्ट में आपको कहा गया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ऐसे ये समांतर श्रेढ़ी है एंड डोंट डोंट, आगे तक भी है। प्रथम पद ए बराबर 3/2, सार्व अंतर ज्ञात करो डी बराबर 1/2 में से क्या माइनस करना है? पहला पद 1/2 -3/2, यहाँ पे लघुतम ले लीजिए आप, 2 और 2 का लघुतम 2 आ गया, 1 - 3 बराबर 1 में से 3 माइनस किया -2/2, तो भाई -2/2 आया, यानी कि कितना आया? माइनस का 1 आ रहा है। सार्व अंतर कितना आ रहा है? डी बराबर -1, ये इसका आंसर हो, ठीक है ना? अच्छा और देखिए चौथा, देखिए चौथा पार्ट में आपको समांतर श्रेढ़ी दी गई है 1 -2 -5 -8
ऐसे आपको समांतर श्रेणी दी गई है। बच्चों प्रथम पद कितना है, a बराबर 1, d बराबर देखो माइनस दो में से एक घटाना है, माइनस दो में से माइनस करना है किसको, एक को, कितना आएगा माइनस तीन, माइनस दो माइनस एक माइनस तीन होता है ना, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो इसको, माइनस पाँच में से क्या घटाना है, माइनस दो घटाना है पहले की तरह, तो माइनस पाँच प्लस दो बराबर कितना आएगा, वही माइनस तीन आएगा, ठीक है ऐसे कर लेना। तो ये वाला क्वेश्चन आप अच्छी तरह से भली भांति कर सकते हो, इतना मेरे को विश्वास है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चल रहा हूं मैं अभी, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लीजिए। इसमें आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर दिया गया है और उस श्रेणी के प्रथम चार पद और ज्ञात करने हैं, ठीक है। आपको ए दिया गया है, डी दिया गया है और आगे के चार पद ज्ञात करने हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए, ए बराबर, पहले क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू, प्रथम पद की वैल्यू माइनस एक और सार्वांतर की वैल्यू 1/2 दी गई है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद क्या होगा बच्चों, प्रथम पद तो प्रथम पद ही होगा माइनस वन, दूसरा पद क्या होगा बच्चों, ए टू बराबर, व्यापक पद का सूत्र लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना ऐसे कर लो। ये नहीं करते हो तो थोड़ा इजी है अभी फिलहाल करना इसको, दूसरा पद निकालने के लिए प्रथम पद में सार्वांतर जोड़ेंगे, ए टू में क्या जोड़ेंगे, ए वन में डी जोड़ देंगे, ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू माइनस वन और डी की वैल्यू 1/2, माइनस वन 1/2, इसका लघुतम आया दो, माइनस का दो प्लस एक बराबर माइनस एक बटे दो, ए टू आ गया। तीसरा पद ए थ्री है ना, आप ए टू में फिर कितना जोड़ दो, डी जोड़ दो, ए टू में डी जोड़ दो, तो ए टू कितना है माइनस 1/2 आया, ये देखो ये पूरा ए टू का मान ये है, इसमें मैं डी जोड़ूंगा, डी कितना है 1/2, देखो माइनस 1/2 प्लस 1/2 जीरो हो गया। चौथा पद निकाले तो चौथा पद होगा ए फोर, इसमें आप क्या करेंगे, ए थ्री में डी जोड़ेंगे, ए थ्री कितना आया था अभी, जीरो आया था, डी आया है 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ऐसे चार पद हो गए, ऐसे आप चार पद याद कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ ऐसे ही दूसरे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसी क्वेश्चन में मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, दूसरे क्वेश्चन की वैल्यू रखता हूँ। मेरे को प्रथम पद दे रखा है ए बराबर 1/3 और डी बराबर दे रखा है 4/3, ठीक है। तो बच्चों प्रथम पद क्या होगा, ए बराबर तो 1/3 ही होगा, दूसरा पद ए टू बराबर ए प्लस डी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू 1/3, डी की वैल्यू कितनी है 4/3, ठीक है। लघुतम कितना आएगा, तीन लघुतम आएगा, तीन तीन का तीन लघुतम, यहाँ पे आएगा 1+4 बराबर 5/3, हो गया 5/3, ओके। तो ए टू का मान आया 5/3, अब आप ए थ्री याद करो तो ए टू प्लस डी, ए टू का मान 5/3, उसमें डी जोड़ो 4/3 जोड़ो, तीन लघुतम आएगा फिर से 5+4 बराबर 9/3, ठीक है 9/3, इसको आप तीन भी लिख सकते हो। चौथा पद क्या आएगा, ए थ्री प्लस डी, ए थ्री की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4/3, आप लघुतम लेंगे इसका, 3 को 3/1 लिख लो, इसका लघुतम आएगा 3, तो 3 × 3 ये हो जाएगा 9+4 बराबर 13/3, ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो। चलो तीसरा सवाल आपको पॉइंट वाला भी समझा देता हूँ। तीसरे क्वेश्चन में कहते हैं, क्वेश्चन में कहता है 0.6 ए का मान है और डी इसका जो सार्वांतर है वो 1.1 है, ठीक है बच्चों, डी बराबर 1.1 दिया गया है। चलिए तो बच्चों ए बराबर कितना है 0.6, ठीक है। दूसरा पद निकालेंगे ए टू बराबर होगा ए प्लस डी, ए का मान रखो, डी का मान रखो 1.1, 1.1 में 0.6 जोड़ो 1.7 आया। ए थ्री निकालेंगे तो 1.7 प्लस डी, डी का मान इसमें जोड़ेंगे
ये हो जाएगा 2.8। तीसरा पद निकालेंगे तो ए थ्री प्लस डी, ए थ्री का मान रखो उसमें 1.1 जोड़ो, ये कितना आएगा 3.9, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ओके चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, माइनस वाला क्वेश्चन नंबर छठा ले रहा हूँ अभी मैं फिलहाल, डायरेक्ट छठा क्वेश्चन। चलो देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, तुम भी तो करोगे ना फिर कुछ। ए बराबर है -1.25, ओके, और डी बराबर है -0.25। ठीक है, तो देखो बेटे, देखो बेटे, प्रथम पद कितना है -1.25, दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी, ए का मान 1.25 प्लस डी का मान देखो माइनस में है, तो आप इसको एक बार ना ब्रैकेट में लिख लो ऐसे माइनस करके, फिर आगे इसको सरल करना। माइनस प्लस क्या होगा, ये तो ऐसे लिख दिया मैंने, माइनस प्लस माइनस होता है 0.25, तो माइनस में माइनस की संख्या जुड़ती है, ये जुड़ेंगे 5, 5, 10, 80, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 1 पॉइंट का 1, माइनस का 1.50। ठीक है बच्चों, तो ए टू ये आया, ए थ्री बराबर क्या आएगा ए टू प्लस डी, ए टू का मान वहाँ से रखो, माइनस का 1.50 प्लस डी का मान देखो, अब मैं सीधा माइनस रख दूँ इसको, हाँ माइनस का 0.25, प्लस माइनस माइनस ही होगा आगे जाके, ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, मैं सीधा यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, तो ये भी प्लस होगा 5, 0, 5, 2, 5, 7, 1, 0, 1, 1.75 आया। ठीक है, ऐसे चौथा पद निकाल दो, माइनस का 1.75 माइनस का 0.25 बराबर 5, 5, 10, 1, 7, 2, 9 और 1, 10, 1, 1 और 1, 2 माइनस का 2.00। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू ये पद बढ़ते जाएंगे और आप मान निकाल सकते हो। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस में, है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका कंप्लीट होता है, कुछ एक दो पार्ट मैंने छोड़े हैं, वो आप करके देखिए जैसे समझाया उस तरीके से हो जाएंगे आसानी से। 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए बच्चों, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए, यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा इनके अगले चार पद भी लिखिए। अब इस सवाल में ये जो श्रेणियाँ दी गई हैं ये सभी समांतर श्रेणी हैं या कुछ समांतर श्रेणी हैं, इसका अभी कुछ पता नहीं है, हमें पहले जांच करना पड़ेगा कि श्रेणी या जो अनुक्रम दिया गया है वो वास्तव में समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर वो समांतर श्रेणी है तो आगे उसके चार पद भी ज्ञात करने हैं, जहाँ पे छोड़ा है उससे आगे के चार पद। ठीक है ना, 5 तक छोड़ा है तो 6, 7, 8 पद निकालना है, 6 तक छोड़ा है तो 7, 8, 9, 10 पद निकालना है, ऐसे। तो आप कैसे चेक करेंगे कि दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी है या नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में बताया मैंने, एक ही मेथड है कि आप उनके पदों का सार अंतर ज्ञात करके देख लीजिए, सभी जगह बराबर आना चाहिए तो ही हम कह सकते हैं वो अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, सार अंतर बराबर होना चाहिए हर जगह, है ना। चलो चेक करते हैं पहले क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में 2.5/2.3/7/2 ऐसे एक सवाल रख के छोड़ दिया और डॉट 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 कर दिया। ठीक है, तो बच्चों अब क्या करें, प्रथम पद ज्ञात करो, प्रथम पद को छोड़ो, गोली मारो, डी निकालो आप तो यहाँ पे, इसका अंतर निकालो, A2 - A1, है ना, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे हैं। A2 में से A1 माइनस करके देखो, 5/2 में से 2 माइनस करके देखो, तो कैसे माइनस करोगे, 2 के लघुतम लगाओ 1, तो इसका लघुतम आएगा 2, 5 - 4 = 1/2 आया, ओके जो भी आया। अब आप A3 में से A2 करके देखो, माइनस 3 - 5/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका 2 लघुतम, 2 + 2 = 6, 6 - 5 = 1/2, ये भी यही आ रहा है। फिर आप A4 में से A3 और माइनस करके देखो,
A4 माइनस A3 बराबर आ रहा है 7/2 माइनस 3/1 बराबर लघुतम वही 2, 7 - 6 बराबर 1/2। तो देखो हर बार सार अंतर समान आ रहा है ना, हर बार पदों का अंतर बराबर आ रहा है, अतः हम लिखेंगे अतः दिया गया अनुक्रम, ऐसे लिखेंगे दिया गया अनुक्रम एक एपी है जिसका सार्व अंतर डी बराबर 1/2 है। ठीक है, डी बराबर 1/2 है। अब ये क्वेश्चन आगे भी करना है आपको, इसमें प्रथम पद ए बराबर तो यहाँ से लिख लेना 2 है, डी बराबर आ गया 1/2, आगे के चार पद और निकालने हैं। कौन से चार पद, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चार पद तो आपको दे रखे हैं, आपको निकालना है पांचवा पद। पांचवा पद का सूत्र क्या होगा, ए प्लस 4d, है ना, यस। अब आप nवां पद का सूत्र लगाते हुए चलो, तो पांचवा पद हो जाएगा a की वैल्यू 2 प्लस 4 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया बराबर आ गया 4, 2 प्लस 2 बराबर 4। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, अभी देखो a6 बराबर होगा a प्लस 5d, a की वैल्यू 2, 5 गुणा d की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 2 प्लस 5/2 यानी कि 9/2। इसको मैं एक बार सोल्व कर देता हूँ, 2 इसका लघुतम आएगा, 2 दूनी 4 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 कितना होगा, 9/2। ठीक है, a7 बराबर a प्लस 6d, a की वैल्यू 2, 6 इंटू डी की वैल्यू 1/2, ये कट गया 3, 3 प्लस 2 5। आठवां पद आएगा इसका a प्लस 7d, a की वैल्यू 2, 7 गुना डी का मान 1/2, तो 2 प्लस 7/2 लघुतम लो, 2 दूनी 4 प्लस 7 11/2। ठीक है बच्चों, ऐसे कर लेना, अगले चार पद निकालने थे वो हमने ज्ञात कर दिए। और देखिए क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, ये हो गया पार्ट, समझ में आ गया होगा आपको। एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ इसके, जैसे कि सेकंड पार्ट में आपको दिया है -1/2, 1/2, अच्छा -1/2, -1/2, -1/2, हर बार ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, सार्व अंतर निकालो। आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी इसमें, तो इन दोनों का अंतर 0, इन दोनों का अंतर 0, इन दोनों का अंतर 0। अंतर 0 से मतलब नहीं है, अंतर बराबर आ रहा है सब में। देखो अंतर सभी में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर डी बराबर 0 है, अतः यह अनुक्रम एक एपी होगा, यह अनुक्रम एक एपी है, यह अनुक्रम एक एपी होगा, क्योंकि इसमें सभी पदों के लिए जो अंतर आ रहा है वो 0 0 0 0 आ रहा है, जो कि समान है ना, समान है, इसलिए यह अनुक्रम एक एपी है, और इसके आगे के पद भी इतने ही होंगे। चौथा पद, चार पद दिए हैं, पांचवा भी यही होगा, छठा भी यही होगा, सातवा भी यही होगा, आठवा भी यही होगा, ऐसे 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 सभी पद यही आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और देखो क्वेश्चन थर्ड देख लीजिए, a स्क्वायर, a³, a^4, ऐसे करके छोड़ा है। देखो इसका अंतर करके देखो, a₂ - a₁, a²- a आया, तो इसमें से आप a कॉमन कर सकते हो, यहाँ पे क्या बचेगा a-1, यहाँ से a² में से a कॉमन कर लिया तो क्या बचा, a-1 बचा। फिर आपको इन दोनों पदों का अंतर करके देखना है, a₃ - a₂, a₃ कितना है a³, इसमें से a₂ को घटाओ, a₂ कितना है a², तो देखो कितना कॉमन आएगा, a² ही कॉमन आएगा, इंटू a-1 आया। यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे तो a⁻¹ लग रहा है, यहाँ पे a²² लग रहा है ना, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका सार्व अंतर समान नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह
अनुक्रम, यह अनुक्रम एपी नहीं है, ये एपी नहीं होगा क्योंकि इसमें सार्वंतर बराबर नहीं आया, इसका और इसका अंतर बराबर नहीं आया, इसलिए ये अनुक्रम एपी नहीं हो सकता। ठीक है, और देखिए अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे क्वेश्चन है। तो चेक करते हैं, ए टू माइनस ए वन, ए टू है रूट 6 माइनस रूट 3। अब इसको कैसे करें, तो बच्चों जो रूट 6 होता है ना, इसको आप लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 2, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, बिकॉज रूट के अंदर ही 6 है, तो रूट के अंदर ही आप 3 × 2 = 6 लिख सकते हो। यहाँ से मैंने इसलिए इसको ऐसे इसलिए लिखा ताकि मैं कॉमन कर सकूँ, रूट 3 रूट 3 यहाँ पे है, दोनों में कॉमन कर सकते हो, अंदर बचेगा रूट 2 यहाँ पे, तो और इधर तो ये कॉमन कर लिया तो -1 बचा, ये सार्वंतर आया। ऐसे में ज्ञात करके देखूँ a3 - a2, तो a3 मेरे पास है रूट 9 माइनस रूट 6, इनको चेंज करूँ, रूट 9 को लिखो 3 × 3 = 9 है ना, तो यानी कि रूट 3 इंटू रूट 3, 6 को लिखो रूट 3 इंटू रूट 2, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, रूट 3 को कॉमन कर लिया तो अंदर बचा रूट 3 माइनस रूट 2, यहीं पे अंतर गलत आ गया। इसका अंतर है ब्रैकेट में रूट 2 माइनस 1 और इसका अंतर है ब्रैकेट में रूट 3 माइनस रूट 2, तो सार्वंतर समान नहीं आया, सार्व अंतर समान नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे इसके बारे में, हम इसके बारे में क्या बोलेंगे, हम यही बोल सकते हैं कि यह अनुक्रम एपी नहीं है, यह अनुक्रम एपी नहीं है क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है, दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह अनुक्रम एपी नहीं है। ठीक है, और देखिए कौन सा क्वेश्चन कराएं, अगला भी अंडर रूट वाला है, 6, 7, 8 सब ऐसे ही है, मैं 7वां करवा रहा हूँ डेसिमल वाला, रूट वाला तो मैंने करवा ही दिया तुम्हें, डेसिमल वाला क्वेश्चन आपको करवाते हैं। देखिए इसमें वैल्यू दी है आपको 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222 एंड फिर 0.2222, ऐसे 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 करके संख्या लिखी गई है। अच्छा, 3 पदों तक ही है ये, सॉरी। आप a2 - a1 ज्ञात करेंगे पहले, 0.22 - 0.2, कैसे माइनस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ, दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, 2 का 2, 2 में से 2 गया 0, 0.02, इसका सार्वंतर आया 0.02। ठीक है, a3 - a2 ज्ञात करके देखते हैं, a3 की वैल्यू है 0.222 - 0.22, ठीक है माइनस करके देखो भाई, इसमें से 0.22, 2 का 2, 0 का 0, 0 का 0, इसका सार्वंतर आ रहा है 0.002। बच्चों समान है क्या ये, क्या ये समान है, नहीं है ना, देखो इसमें दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, इसमें दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, तो ये समान कैसे हो सकते, नहीं है समान। हम लिखेंगे दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह अनुक्रम एपी नहीं है, अतः यह अनुक्रम एपी नहीं है, ऐसे आप चेक करेंगे सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं इस तरह से होंगे आपके सारे। इसी के साथ ही एक्सरसाइज 5.1 समाप्त होती है, पढ़ते रहिए, बचे हुए क्वेश्चंस को कर करके देखिए, क्वेश्चंस को बुक में कुछ इससे पहले एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं उनको भी करके देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, थैंक यू।